हेलो फ्रेंड्स, आई एम सनी शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल सोच पर प्रहार। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम रेगुलर बात करते हैं लीगल एजुकेशन से रिलेटेड, तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है एक्स पार्टी डायवोर्स, यानी कि एक तरफा डायवोर्स। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और इसको अच्छे से समझने के लिए पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो डायवोर्स होता है वो कितने टाइप का होता है और उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। मैंने इस टॉपिक पर एक पूरी वीडियो बनाई है, फुल प्रोसीजर ऑफ डायवोर्स, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और इस वीडियो के एंड में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाके उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि जो डायवोर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है म्यूचुअल कंसेंट से डायवोर्स और सेकेंड होता है आपका कंटेस्टेड डायवोर्स। तो म्यूचुअल कंसेंट से डायवोर्स तो वो होता है जहां पर पति पत्नी दोनों एग्री हैं और वो आपसी सहमति से डायवोर्स लेते हैं, वहां पर एक्स पार्टी का कोई मतलब नहीं बनता। सेकंड हमारा आता है कंटेस्टेड डायवोर्स, यानी कि जहां पर एक व्यक्ति डायवोर्स लेना चाहता है लेकिन दूसरा देना नहीं चाहता है और उसके लिए मुकदमेबाजी दोनों के बीच में चल रही है, तो वहां पर एक तरफा डायवोर्स का रूल अप्लाई होता है। दूसरा, एक्स पार्टी डायवोर्स लोग इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि इसमें जो फैसला होता है वो जल्दी आ जाता है और लोग कानूनी कार्यवाही से बच जाते हैं, क्योंकि जब ये मैटर चलते हैं तो इसमें कई सारी और जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि जल्दी निपट जाए, कई लोगों की एज कम होती है, उन्हें रीमैरिज करनी होती है या और भी जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। इसके साथ साथ आपके लिए एक वीडियो बहुत उपयोगी साबित हो सकती है, उसमें मैंने बताया था कि किन केसेज में सेकेंड मैरिज बिना डायवोर्स के की जा सकती है, यानी अगर आप बिना डायवोर्स लिए सेकेंड मैरिज करते हो तो भी वो वैलिड होगी। इस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और वीडियो के एंड में कार्ड्स में भी आपको मिल जाएगा, आप वहां क्लिक करके इस वीडियो को देखकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अगर आप उनमें से किसी कैटेगरी में आते हो तो फिर आपको डायवोर्स लेने की जरूरत नहीं है, आप बिना डायवोर्स के ही दूसरी मैरिज कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्स पार्टी डायवोर्स की, यानी एक तरफा डायवोर्स की। आपको कहना चाहूंगा कि इसकी पूरी जानकारी के लिए आप ये वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, कोई स्टेप मिस मत करिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ सेक्शन बाय सेक्शन में आपको सारी चीजें समझाऊंगा। और आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लेके आऊं उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को। एक्स पार्टी डायवोर्स पति या पत्नी किसी की भी पिटीशन पे मिल सकता है। तो हम एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं कि जो डायवोर्स के लिए पिटीशन है वो वाइफ ने फाइल करी। अब वाइफ ने पिटीशन जब फाइल करी तो इसकी एक कॉपी, यानी इसकी सूचना नोटिस या समन के जरिए कोर्ट दूसरी पार्टी यानी हस्बैंड को भेजेगी। अब हस्बैंड को अगर ये समन प्राप्त हो जाता है, नोटिस प्राप्त हो जाता है और वो कोर्ट में उपस्थित नहीं होता, तो ऐसे में कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर जारी कर देती है। या कई बार ऐसा भी होता है कि उसको समन भेजा गया लेकिन उसको समन नहीं मिला, तो कोर्ट एक बार और समन भेजती है। और कई बार ऐसा होता है कि मिलने के बावजूद भी अगर वो कोर्ट में उपस्थित नहीं होता तो कोर्ट एक बार और समन भेजती है। प्रैक्टिकली 2-3 बार कोर्ट ट्राई करती है, उसको समन भेजे जाते हैं, लेकिन जब ये कोर्ट संतुष्ट हो जाती है कि उसको प्रॉपरली समन मिल रहा है, उसको सूचना है कि उसके खिलाफ मुकदमा डाला गया है तलाक का, लेकिन फिर भी वो कोर्ट में नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस में जो कोर्ट है वो वाइफ के फेवर में एक्स पार्टी ऑर्डर, या आप एक्स पार्टी जजमेंट कह सकते हैं या एक्स पार्टी डिक्री कह सकते हैं, इशू कर देती है। इसमें एक कंडीशन और आती है, कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट समन भेजती है, हस्बैंड को नहीं मिलता। अब जो वाइफ है, वाइफ की ओर से एक एप्लीकेशन दी जाती है एक्स पार्टी ऑर्डर करने के लिए, लेकिन इसी दौरान एंड मोमेंट पर हस्बैंड को समन मिल जाता है और वो कोर्ट में उपस्थित हो जाता है या किसी प्रकार से सूचना भिजवा देता है कि उसको आखिरी मोमेंट पे ये नोटिस प्राप्त हुआ है, ये समन प्राप्त हुआ है। तो ऐसे केस में कोर्ट क्या करती है, डेट एडजॉर्न कर देती है, यानी अगली तारीख लगा देती है कि अगली तारीख पर हस्बैंड को भी सुना जाएगा और ऐसे केस में एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं किया जाता है। अब इसमें एक केस और आता है, कई बार जब वाइफ ने पिटीशन डाली और उसका जो समन है या नोटिस है वो हस्बैंड के पास गया और हस्बैंड मुकदमे से बचने के लिए जानबूझकर समन को रिसीव नहीं करता, कोर्ट दोबारा समन भिजवाती है, वो फिर रिसीव नहीं करता, कोर्ट तीसरी बार समन भिजवाती है, वो फिर भी रिसीव नहीं करता, तो ऐसे केस में कोर्ट के पास से अधिकार है कि वो अन्य माध्यमों से उसको सूचना प्रेषित करवाए। अब इसके लिए कोर्ट क्या करती है, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन में दे देती है और उसको समन माना जाता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के घर के बाहर भी वो समन चिपकवाया जा सकता है कोर्ट के माध्यम से, और उसको भी समन की तामीली मानी जाती है, माना जाता है कि उसको समन मिल चुका है, और ऐसे केस में समन की तामीली करवाकर, यानी समन उसको प्राप्त करा के, वो पिटिशनर के फेवर में, यानी जिसने मुकदमा डाला है वाइफ ने, उसके फेवर में एक्स पार्टी ऑर्डर कर सकती है। दोस्तों, ये
एक्सपार्टी ऑर्डर होता है या एक तरफा आदेश होता है, इसका मतलब होता है कि कोर्ट केवल एक पक्ष की बातों को सुनकर अपना निर्णय उसी के आधार पर दे देती है। जैसे कि हमने उदाहरण लिया था कि वाइफ ने मुकदमा दाखिल किया, तो वाइफ ने मुकदमा दाखिल किया तो कोर्ट केवल वाइफ की बात को सुनेगी, उसके द्वारा दिए गए एविडेंस को देखेगी और उन्हीं के आधार पर अपना फैसला सुना देगी। तब जाहिर सी बात है जब उसका विरोध करने वाला कोई नहीं है तो जो फैसला है वो तो आपके हक में आएगा। जिस भी पक्ष के हक में एक्सपार्टी ऑर्डर होता है उसको बहुत फायदा मिलता है, उसका बहुमूल्य समय और पैसा दोनों बचता है। ये जो एक्सपार्टी ऑर्डर होता है ये सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 9 रूल 6 के अकॉर्डिंग डील होता है। इसमें एक कंडीशन और आती है, कई बार ये देखा जाता है कि जिस व्यक्ति ने मुकदमा दाखिल किया, जैसे हमारे उदाहरण में वाइफ ने मुकदमा डाला था, अब मुकदमा डालने के बाद यदि वो खुद ही कोर्ट में उपस्थित नहीं होती है, वो खुद कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रही है, तो ऐसे केस में कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसके मुकदमे को खारिज कर सकती है, उसका केस डिसमिस कर सकती है। अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि यदि कोर्ट किसी के फेवर में एक्स पार्टी डिग्री कर दे, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में हमने लिया था कि वाइफ ने मुकदमा डाला है, अब मान लेते हैं कि वाइफ के फेवर में कोर्ट ने एक्स पार्टी डिग्री कर दी, एक्स पार्टी जजमेंट कर दिया, उसके फेवर में निर्णय सुना दिया, अब दूसरी पार्टी यानी हस्बैंड को क्या अधिकार होगा? और यदि हस्बैंड ने मुकदमा डाला था और हस्बैंड के फेवर में एक्स पार्टी हुआ है तो वाइफ को क्या अधिकार होगा? दोनों ही पार्टीज के लिए सेम है, तो हमारे उदाहरण के हिसाब से हस्बैंड को क्या अधिकार होगा? तो हस्बैंड को यह अधिकार होगा कि वो इस ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए अपनी फर्स्ट अपील अपील ऑन कोर्ट में पेश करेगा 30 दिन के अंदर अंदर। यह अपील ऑर्डर 9 रूल 13 के हिसाब से पेश की जाएगी, जिसमें वो सफिशिएंट रीजन देगा कि जब उसको समन मिल गया बावजूद उसके वो कोर्ट में क्यों उपस्थित नहीं हुआ। अब सफिशिएंट रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है उसके घर में किसी की तबीयत खराब थी, हो सकता है वो कहीं फंसा हुआ था, कहीं बाहर था और ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, हो सकता है कि उसकी अपनी तबीयत खराब थी, या ऐसे और बहुत सारे रीजनेबल कारण हो सकते हैं, उसे वो रीजन बताने पड़ेंगे और यदि कोर्ट उसके रीजन से संतुष्ट हो जाती है तो वो ऐसी एक्स पार्टी जजमेंट को खारिज कर देगी और फिर उसके बाद मुकदमा दोबारा चलेगा और हस्बैंड को भी सुनने का मौका कोर्ट देगी। अब ये जो अपील करने की अवधि है 30 दिन, ये लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 123 के द्वारा दी गई है। अब इसमें एक कंडीशन और आती है कि यदि हस्बैंड इन 30 दिनों के अंदर अपील नहीं कर पाता, 30 दिन बीत जाते हैं, तो अब उसे क्या करना होगा? तब अब उसे पहले एक एप्लीकेशन देनी होगी और उस एप्लीकेशन में उसे अपीलन कोर्ट को बताना होगा कि क्यों वो इन 30 दिनों के अंदर अपील नहीं कर पाया, उसे वहां पे उसके लिए सफिशिएंट रीजन देना पड़ेगा। अब पहले कोर्ट इस एप्लीकेशन को डिसाइड करेगी, मतलब देखेगी कि एक्चुअल में उसका रीजन रीजनेबल है या नहीं, कोर्ट संतुष्ट होती है या नहीं। अगर कोर्ट संतुष्ट हो जाएगी तो वो उसको आदेश करेगी कि ठीक है आप अब अपील पेश कर सकते हैं, और फिर जब अपील पेश हो जाएगी उसके बाद ये डिसाइड करेगी उस अपील में कि वो जो एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ था उसको रखा जाना चाहिए या खारिज कर दिया जाना चाहिए, मतलब कि हस्बैंड को मौका दिया जाना चाहिए सुनने का या फिर नहीं दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से एक्स पार्टी ऑर्डर की प्रोसीडिंग होती है, मतलब कि यदि किसी पार्टी के फेवर में एक्स पार्टी ऑर्डर हो भी जाता है तो भी दूसरे पक्ष को अपील करने का अधिकार 30 दिनों के अंदर अंदर होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि जानकारी जानने के बाद आपके मन में इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं रह गया होगा, लेकिन यदि फिर भी किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर कमेंट का आंसर आपको दिया जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।